ओके तो गदर 2 मूवी देखते वक्त शायद आपने ये नोटिस किया होगा, इस सीन में जब तारा सिंह पाकिस्तान जाते हैं तब ये लोग क्रश इंडिया का नारा लगा रहे होते हैं। एंड यू कैन नोटिस कि तारा सिंह इन सभी के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये लोग ऐसे जा रहे हैं और तारा सिंह ऐसे आ रहे हैं, और ये एक्चुअली ये सिग्निफाई कर रहा था कि तारा सिंह इन सभी के ऑपोजिट है। और ये हिडन डिटेल लिटरली अमेजिंग है। वैसे ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स हैं, जैसे कि सीन में ये जो सॉन्ग था, मैं निकला गड्डी लेके, बंद करो हाथ जोड़। एनीवेज तो इस सॉन्ग में बाप और बेटा दोनों गा रहे होते हैं, और बाप और बेटी की आवाज डिफरेंट डिफरेंट सिंगर ने दिया है। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सॉन्ग था मैं निकला गड्डी लेके, इस सॉन्ग को दो सिंगर ने गाया है। अब आप ये जान के चौंक जाओगे, इस सॉन्ग को उदित नारायण और आदित्य नारायण दोनों ने गाया है, और वो दोनों रियल लाइफ में बाप और बेटे हैं। यानि की मूवी में बाप और बेटे इस गाने को गा रहे थे, और रियल लाइफ में भी बाप और बेटे ने इस गाने को गाया है। तो इसके लिए तो एक लाइक कर देना। एंड गाइस इस सीन में जब जीते अपने पासपोर्ट को दिखाने के लिए लाइन में लगता है, तब आप नोटिस कर सकते हो इन मुसलमान लोगों ने अपने बैग को ऐसे लिया है, और जीते ने अपने बैग को ऐसे लिया है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, मुसलमान लोग अपने बैग को ऐसे कभी नहीं लेते, ऐसे बैग तो हमारे इंडियंस स्पेशल इंडियन आर्मी लेती है। और इसी चीज को इस ISI एजेंट ने नोटिस किया था, किसका बैग पकड़ने का स्टाइल डिफरेंट है। कुछ न कुछ तो गड़बड़, यानी कि कुछ तो झोल है। दैट्स व्हाई वो चरणजीत के पूछताछ करता है। मेजर अनवर अली ISI। इस मूवी में आपने रेड कलर का पाकिस्तान का फ्लैग जरूर देखा होगा। पाकिस्तान का फ्लैग तो ऐसे होता है, तो ये रेड क्यों है, तो ये इस वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। ऑल राइट, डिटेल नंबर 1। तो इस सीन में हमें विवेक शौक जी के इमेज को दिखाया जाता है, क्योंकि अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर वो जिंदा होते तो आज शायद गदर 2 की स्टोरी कुछ और ही होती। अगर आपको पार्ट 1 याद है तो वहाँ पर वो मरे नहीं थे, वो ट्रेन से कूद गए थे, और फिर शायद गदर 2 की ऐसी स्टोरी होती जहाँ पर उनके दोस्त को पाकिस्तान वालों ने किडनैप करके रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, विवेक जी की मौत हार्ट अटैक से हुआ था। जी हाँ, 3 जनवरी 2011 में उनकी मौत हुई थी। डिटेल नंबर 2। तो इस सीन में जब 1947 के सीन को दिखाया जा रहा होता है, तब आप यहाँ पर एक क्रैक को नोटिस कर सकते हो, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन को सिग्निफाई कर रहा था। डिटेल नंबर 3। तो इस सीन में दरअसल ये डिटेल पार्ट 1 की है, क्योंकि पार्ट 1 का सीन हमें यहाँ पर दिखाया गया था। तो इस सीन में जब तारा सिंह सकीना को बचा रहा होता है, तब उनका जो हैंड था वो किसी एक कपड़े से कवर्ड था। तो गाइस क्या आपको पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था? दरअसल इस सीन में जब वो सकीना के पास गए थे, तब उन्होंने ये तलवार अपने हाथों से पकड़ा था, जिससे कि उनका हैंड इंजर्ड हो गया था। दैट्स व्हाई उन्होंने ये कपड़ा अपने हाथों में लपेट लिया था। डिटेल नंबर 4। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो जगह है ना, ये पाकिस्तान का नहीं है, ये हमारे इंडिया का ही है, बस इसको पाकिस्तान जैसा डेकोरेट किया गया है। क्योंकि जो हमारे तारा सिंह है यानी कि सनी देओल पाजी, तो वो पाकिस्तान में बैन है, तो वो पाकिस्तान जा ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के अगेंस्ट शूट करना, आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल। तो ये जगह हमारे इंडिया का ही है, बस इसको पाकिस्तान जैसा डेकोरेट किया गया है। एंड आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो टैंक है, इसको ग्रीन कलर में दिखाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में ग्रीन कलर की क्या इम्पोर्टेंस है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। डिटेल नंबर 5। तो अगर आपने ये मूवी देखी है, तब आपको जरूर पता होगा कि ये जो जनरल हामिद है, ये एक अच्छा इंसान नहीं है, और इसका हिंट सबसे पहले हमें यहाँ मिलता है। इस सीन में उन्होंने कहा था, मेरा मुल्क, ये मेरा मुल्क है, जान की मेरा देश। तो गाइस देखो, देश कभी मेरा नहीं होता, देश हमारा होता है। लेकिन अगर आप अपने कंट्री से कहीं बाहर हो, तब आप कह सकते हो कि वो मेरा देश है, लेकिन अगर आप अपने देश में हो, तब आप कभी नहीं कह सकते मेरा देश, आप सिर्फ हमारा देश बोलोगे। तो इस सीन में जनरल हामिद पाकिस्तान में होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार था, यहाँ पर LHR लिखा हुआ होता है, जो कि हो सकता है लाहौर। तो इस सीन में जनरल हामिद पाकिस्तान में ही होते हैं, और पाकिस्तान में होके उन्होंने कहा था मेरा मुल्क, यानी कि वो एक अच्छे इंसान नहीं है। डिटेल नंबर 6। तो इस सीन में तारा सिंह ये लालटेन लेके सकीना के पास जाते हैं, जो कि कॉलबैक था पार्ट 1 का, क्योंकि वहाँ पर भी वो ऐसे ही लालटेन लेके सकीना के पास गए थे। डिटेल नंबर 7। अब ये डिटेल मेरा फेवरेट है। इस सीन में तारा सिंह जी कहते हैं, लगता है किताबा कभी खोलिया भी नहीं। वेल आई थिंक ही इज ट्रू, क्योंकि जब उन्होंने किताब टेबल पे रखा था, तब आप ये धूल को नोटिस कर सकते हो, यानि कि जीते ने बहुत दिनों से इन किताबों को छुआ भी नहीं था, तो डॉक्टर ने ये धूल ऐड करके काफी सही काम किया है। डिटेल नंबर 8। तो इस सीन में जीते अपने पापा से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक बाइक चाहिए। वेल इस सीन में बैकग्राउंड में आप 2-3 टॉय बाइक को नोटिस कर सकते हो, यानि कि जीते बाइक्स का दीवाना है, और उसके पापा ने यानि कि तारा सिंह ठीक ऐसा ही बाइक उसे गिफ्ट किया था। तो यार इसके लिए तो एक लाइक बनता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता
क्या आपने इसको कभी भी नोटिस किया होगा? तो इस सीन में जीते धर्मेंद्र जी की मैगजीन पढ़ रहा होता है, क्योंकि 70s में वो काफी फेमस थे। एंड गाइस, आपको तो पता ही है धर्मेंद्र जी हमारे सनी पाजी के पिता हैं, और ये एक उन्हें छोटा सा ट्रिब्यूट दिया गया था। डिटेल नंबर 10। तो इस सीन में आप चरणजीत के फोटो को नोटिस कर सकते हो। वेल, ये जो फोटो है ना, ये पहले दीवार पे टंगी हुई थी, लेकिन अब ये यहाँ आ गई है। दरअसल सकीना यानी कि उसकी माँ अपने बेटे को मिस कर रही थी, दैट्स व्हाई वो इस फोटो को लेके देखती थी, इसलिए ये फोटो दीवार से यहाँ आ गई, क्योंकि उसकी माँ इस फोटो को पकड़ के उसे मिस करती थी। डिटेल नंबर 11। तो इस सीन में जब तारा सिंह पाकिस्तान जा रहे थे, तब वो अपने बेटे के चिट्ठी को पढ़ते हैं, एंड यू कैन नोटिस कि जीते के कुछ यादें आप उस चिट्ठी पे नोटिस कर सकते हो। वेल, ये जो एडिटिंग है, ये स्पेशली 70s या 80s या 90s में किया जाता था, और इस मूवी की टाइमलाइन भी 70s है। आपने शायद एक मीम तो जरूर देखा होगा, वीडियो कॉल नाउ एंड वीडियो कॉल इन 70s या 80s, तो मानना पड़ेगा डायरेक्टर ने काफी अच्छा दिमाग लगाया है। डिटेल नंबर 12। ओके, तो इस सीन में जब तारा सिंह अपने बेटे को बचा रहे होते हैं, तब तारा सिंह ने ये जो हथकरिया थे जिसको चरणजीत ने पहना था, उसको अपने हाथे से तोड़ते हैं, जो कि एक्चुअली में उनके पावर को सिग्निफाई कर रहा था कि वो कितना पावरफुल है। वेल, नॉट ओनली दैट, इस सीन में तारा सिंह ये जो तोप था, इसका व्हील निकाल देते हैं, एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो उन्होंने इस व्हील के इस चीज को ब्रेक कर दिया था, और ये करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा पावर की जरूरत होती है, जो कि तारा सिंह के पास एक्चुअली में है। वेल, अगर आपने विक्रम मूवी देखी है, तो वहाँ पर इस सीन में जब घोस्ट यानी कि कमल हसन अपने दोस्तों को छुड़ाने जाता है, तब ये जो ताला था उसको कमल हसन सर ने एक लोहे के डंडे की मदद से तोड़ा था, और जेल का जो ताला होता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, तो उस ताले को घोस्ट ने अपने हाथों से तोड़ा था, यानी कि हमारे घोस्ट यानी कि कमल हसन सर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ऐसे और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मेरे विक्रम का डिटेल वीडियो जाकर देख सकते हो। डिटेल नंबर 13। तो इस सीन में जब तारा सिंह अपने बेटे को बचा रहे थे, तब इस सीन में कुछ सोल्जर्स या फिर पुलिस उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और उन्होंने इस हथौड़े से एक का गर्दन उड़ा दिया था। वेल गाइस, आई थिंक ये कॉल बैक है पार्ट 1 का, क्योंकि वहाँ पर भी उन्होंने किसी एक पाकिस्तान के सोल्जर को ऐसे ही मौत दिया था, यानी कि उनका गर्दन उड़ा के। तो भाई, इसीलिए ये मूवी पाकिस्तान में बैन है, क्योंकि पाकिस्तान वालों का यहाँ पर तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। डिटेल नंबर 14। अब ये जो डिटेल है ना, इसके लिए आप पक्का लाइक करोगे। इस सीन में ये जो जनरल हामिद था, ये चरणजीत को गुस्सा मार रहा होता है, तो जनरल वही गुस्सा मार रहा होता है जहाँ पर चरणजीत को चोट लगी है, यानी कि उसके चोट के ऊपर गुस्सा मार रहा होता है, और ये डिटेल मुझे नहीं लगता कि आपने नोटिस किया होगा। और हाँ, अगर आपने KGF चैप्टर 2 देखा है, ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा, तो वहाँ पर इस सीन में रॉकी भाई और अधीरा फाइट कर रहे होते हैं, तो अधीरा रॉकी के वहीं गुस्सा मार रहा होता है जहाँ पर यू नो रॉकी भाई को गोली लगी थी। और ये डिटेल अगर आपने नोटिस नहीं किया था तो प्लीज यार लाइक कर देना। और KGF 2 के और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मेरे ये सब वीडियो चेकआउट कर सकते हो। डिटेल नंबर 15। अब ये जो डिटेल है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। इस सीन में चरणजीत आर्मी में भर्ती हो जाता है, और वो ऐसे सैल्यूट मारता है, लेकिन तब इन्होंने इस सैल्यूट को चेंज कर दिया था। तो गाइस, क्या आपको पता है कि उन्होंने इस सैल्यूट को चेंज क्यों किया था? दरअसल हमारे इंडिया में जो सोल्जर्स हैं, जो कि हमारे रक्षा करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोल्जर होते हैं। कोई इंडियन आर्मी है, तो कोई एयरफोर्स से है। वैसे फ्यूचर में ऋतिक सर के इसके ऊपर मूवी भी आ रही है, एयरफोर्स के ऊपर। और जो सबसे अल्ट्रा लेजेंड लोग हैं, उन्होंने एक चीज जरूर नोटिस किया है कि ये जो मूवी होगा ना, ये काफी हद तक टॉप गन मैवरिक की तरह होगा, क्योंकि इसका डिजाइन काफी हद तक वैसा ही है। ओके, हम रास्ते से भटक रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, तो हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप सोल्जर होते हैं। कोई एयरफोर्स से है, तो कोई नेवी से है, कोई पैरा कमांडो है, या फिर NSG है, तो कोई मार्कोस का सोल्जर है। और इन सभी के सैल्यूट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर चरणजीत ने जो सैल्यूट मारा था, ये हमारे मार्कोस के सोल्जर्स करते हैं, और ये सैल्यूट हमारी इंडियन आर्मी करती है। एंड अभी मैं आपको पठान का एक बेस्ट डिटेल बताऊंगा। वेल, अगर आपने पठान का ये सीन देखा है, तो यहाँ पर SRK ने ऐसा सैल्यूट मारा था, क्योंकि वो मार्कोस का सोल्जर है। हम जानते हैं वो मार्कोस का एजेंट है, और मार्कोस के एजेंट या फिर सोल्जर ऐसे सैल्यूट करते हैं। और जो हमारे कर्नल थे, वो तो कर्नल ही थे जो कि हमारे इंडियन आर्मी में है, दैट्स व्हाई उन्होंने ऐसा सैल्यूट किया था, क्योंकि ये सैल्यूट हमारे इंडियन आर्मी का है। तो यार, इसके लिए तो एक लाइक बनता है यार, प्लीज। एंड पठान मूवी देखते वक्त आपने इस चीज को 101% मिस कर दिया था। एंड जब हामिद इकबाल मरा था, तब इस लड़की ने स्माइल कर दिया था, क्योंकि हामिद इकबाल ने इस लड़की के भाई और शायद इस लड़की के चाचा को मार डाला था। एंड यू कैन नोटिस कि पाकिस्तानी सोल्जर्स इसके ऊपर गोली चलाए थे। तो गाइस, क्या आपको पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था? वेल, आई थिंक ये इसलिए हो सकता है, जब कुरान और गीता का ऑप्शन दिया गया था, तो ये जनरल हामिद एक मुसलमान होके गीता की तरफ जा रहा था, एंड मुसलमान लोग इसको एक बहुत बड़ा पाप मानते थे, दैट्स व्हाई उन्होंने ये गोली चलाया। और ये शायद पहले है, ठीक है, अब शायद उतना मतलब भेदभाव नहीं होता, या फिर होता भी है, आई डोंट नो लिटरली।
एंड गाइस इस सीन में अगर आप बैकग्राउंड में नोटिस करोगे तो ये जो पाकिस्तान का फ्लैग है ये एक्चुअली फेक है। कैसे? क्योंकि अगर आप ध्यान से जूम करके देखोगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्टार मिल जाएंगे और एक फ्लैग में थोड़ा सा चेंज किसी और कंट्री का फ्लैग बना देता है। जैसे हमारे इंडिया का जो फ्लैग है उसको अगर आप वर्टिकली खड़ा करोगे तो वो किसी और कंट्री का फ्लैग बन जाएगा। और ठीक वैसे ही ये पाकिस्तान का फ्लैग है बट एक्चुअली में नहीं है। यू समझ लो कि ये पाकिस्तान किसी और यूनिवर्स का है। एंड अब सवाल आता है ये पाकिस्तान का फ्लैग रेड क्यों है? तो इसके रिलेटेड मैंने गूगल पे सर्च किया था लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। वेल आई थिंक ये हो सकता है कि 1971 में पाकिस्तान बदले के खून में डूबा हुआ था एंड आई थिंक ये उसी चीज को फोरशेडो कर रहा है। ऑल राइट, तो जनरल हामिद के माथे पे आप एक स्क्रैच को नोटिस कर सकते हो। अब इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है ये हमें मूवी में बताया नहीं गया। वेल इसके ऊपर मेरी एक थ्योरी है। आपको पता है कि जनरल हामिद के जो फैमिली थे वो बंटवारे में मारे गए थे और ये जनरल हामिद जैसे तैसे बच गया और इस बचने के दौरान उसे अपने माथे में ये चोट लगी होगी जिसका दाग उसके माथे में रह गया था और ये दाग उसे हमेशा ये याद दिलाती थी कि हिंदुस्तान से तुम्हारे फैमिली का बदला अभी भी लेना है। अब ये तो मेरी थ्योरी है, अदरवाइज मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। वरना स्क्रैच के पीछे क्या स्टोरी है वो हमें ऑफिशियली पार्ट टू में दिखाया नहीं गया एंड इस मूवी के एंड में द एंड लिखा हुआ नहीं होता, कंटिन्यूज ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है जो कि ये सिग्निफाई कर रहा था कि गदर का पार्ट 3 हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार लाइक कर देना। एंड गाइस रिसेंटली मैंने ओपनहाइमर के ऊपर वीडियो बनाया था, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो राइट में क्लिक करिए और असर 2 सीरीज के हिडन डिटेल्स जानना चाहते हैं तो लेफ्ट में क्लिक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे पे, तब तक के लिए बाय।